नमस्कार बच्चों बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण कक्षा 3 के पाठ 2 वर्ण और शब्द के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बच्चों पाठ शुरू करने से पहले हम इस वर्णमाला को देखेंगे। आप लोगों ने नर्सरी क्लास में पढ़ी होगी वर्णमाला ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये सब। तो बच्चों आज इस पाठ में हम वर्ण और शब्द में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। ध्वनि का मतलब होता है बच्चों आवाज़। जैसे बच्चों कमल, कमल है। अब कमल के हम ये एक शब्द है, इसके हम टुकड़े करेंगे कमल। बच्चों ये हमने कमल के टुकड़े कर दिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कमल में आ तो है नहीं, आ की कोई मात्रा भी नहीं है, तो इसमें आ क्यों लिखा है। बच्चों जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी व्यंजन होते हैं, का ख ग घ ळ च, जितने भी होते हैं, इन सब में छोटा आ छिपा हुआ होता है। आप लोग बोलकर तो का के साथ आपको अ की आवाज़ भी आती है, हल्की सी आ की आवाज़ भी आती है। आप सुनिए चा, चा बोला मैंने तो इसमें भी अ की आवाज़ आई थी। कौन सा आ होता है, ये छोटा आ होता है। तो बच्चों ये जो का मा ल, ये जो अक्षर हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि अब इनको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ये सबसे छोटी ध्वनि हुई और इसके अब टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जैसे बच्चों इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। जैसा कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसमें जो स्वर हैं छोटे आ से लेकर बड़े ओ तक, ये सब क्या हैं, इन्हें स्वर कहा जाता है। और ये 11 होते हैं। कितने होते हैं ये, इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन से होते हैं बच्चों, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे एणी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, और ऋ से ऋषि। ये कितने हो गए, 11। इनकी कितनी संख्या होती है, ये 11 स्वर कहलाते हैं। छोटे आ से लेकर ऋ से ऋषि तक स्वर कहलाते हैं। इन्हें बोलते समय बच्चों हम किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कि मैंने बोला ऊ, तो क्या बच्चों में ये ऊ के साथ का खा गा किसी की हेल्प लेनी पड़ी, नहीं ना। ऊ के साथ किसी के साथ किसी और की आवाज़ आई, नहीं। तो स्वर को बोलते समय किसी भी बड़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन, बच्चों व्यंजन 33 होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33, 33 व्यंजन होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि का से लेकर हा तक ये जितने भी हैं, ये 33 व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों को बोलते समय हम स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि बच्चों का, जब मैंने का को बोला तो उसके अंदर आ की आवाज़ आई, ठीक है। उसी प्रकार चा, मैंने चा बोला उसमें भी आ की आवाज़ आई, तो आ क्या है, हमारा स्वर है। तो बच्चों व्यंजन को बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और बच्चों
अंग से अंगूर, अंगा खाली को आयोग वह कहा जाता है, इन्हें आयोग वह कहा जाता है। ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में, ये आयोग वह कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन। बच्चों, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब एक साथ, व्यंजन। तो बच्चों, जब दो अलग अलग व्यंजन मिलकर एक दूसरा व्यंजन बनाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों, ये चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दूसरे व्यंजनों से मिलकर बने हैं। बच्चों, छ का आधा का और आधा सा से मिलकर बना है। का और सा दोनों ही बच्चों व्यंजन हैं, तो इन दोनों व्यंजनों से मिलकर छ बना है। उसरा ता और रा से मिलकर बना है। बच्चों, स्र आधा सा और आधा रा से मिलकर बना है। ज्ञा बच्चों और अया से मिलकर बना है। तो बच्चों, ये चारों क्या हैं? संयुक्ति व्यंजन हैं, जो कि दो अलग अलग व्यंजन से मिलकर बने हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि जब एक जैसे दो व्यंजनों को एक साथ लिखा जाता है तो उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। बच्चों, जब किसी एक व्यंजन को एक जैसे, दोनों व्यंजन बच्चों एक जैसे ही होने चाहिए, जैसे ता ता, का का। बच्चों, जब इन व्यंजनों को एक साथ लिखा जाता है तो हमेशा आगे वाला व्यंजन जो होता है वो आधा हो जाता है और पीछे वाला व्यंजन पूरा लिखा जाता है। तो बच्चों, जब दो व्यंजन को हम एक साथ लिखते हैं, जैसे चा चा, तो आगे वाला चा आधा हो जाएगा और पीछे वाला पूरा ऐसी का ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे बच्चों का का, तो बच्चों जब दो इन व्यंजनों को एक साथ लिखा तो आगे वाला का आधा हो गया और पीछे वाला ऐसी का ऐसे ही लिखा है पूरा, और इन व्यंजनों से जो शब्द बना वो क्या बना? सिक्का। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, आप ऐसे इसे देखिए, च च। बच्चों, जब दो इन एक जैसे व्यंजनों को एक साथ लिखा गया तो आगे वाला च आधा हो गया और पीछे वाला ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप समझ गए ना कि जब एक जैसे दो व्यंजनों को एक साथ लिखा जाता है तो आगे वाला व्यंजन आधा हो जाता है। मात्रा ज्ञान। बच्चों, हिंदी भाषा में मात्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। बच्चों, मात्राओं के बिना हम किसी भी शब्द को पूरा या सही तरीके से नहीं लिख सकते। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, जो मात्राएं हैं हिंदी भाषा में, वो हिंदी भाषा की रीढ़ की हड्डी है। मतलब इसके बिना हिंदी भाषा अधूरी है। तो बच्चों, मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वर चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्वर कौन से होते हैं और कितने होते हैं, छोटे आ से लेकर औ से औरत तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और ये 11 होते हैं। तो बच्चों, ये जो स्वर होते हैं, इनके जो चिन्ह होते हैं, इन्हीं को मात्रा कहा जाता है। जैसा बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि स्वर, मात्राएं और मात्राओं का प्रयोग। बच्चों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इस पाठ के शुरू में ही बताया था कि छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। छोटे आ क्योंकि
प्रत्येक व्यंजन में आ छिपा हुआ होता है। जैसे मैंने बोला बच्चों ना, तो ना के अंदर अ की आवाज़ आई, तो प्रत्येक व्यंजन में छोटा आ छिपा हुआ होता है। बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा आप देख सकते हैं बच्चों, एक डंडा खींचा है तो ये क्या हुई, बड़े आ की मात्रा। छोटी ई, बड़ी ई आप इसी तरह से देख सकते हैं बच्चों, सारी मात्राएं यहाँ ही हुई हैं बच्चों, जिनका प्रयोग शब्दों में किया जाता है। शब्द बच्चों, शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं, इनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे भवन, भवन का मतलब होता है घर, तो बच्चों एक अर्थ हुआ ना इसका निश्चित, तो शब्द वर्णों के मिलने से बनते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। अंग बच्चों, इसको अनुस्वार कहा जाता है, इसका उच्चारण करते समय, इसको बोलते समय नाक से हवा निकलती है। जैसे मंदिर, झंडा, कंगन, हंस, मंजन, बंधन आदि। बच्चों इसकी जो इसको जो लिखा जाता है उसे बिंदु की तरह लिखा जाता है, जैसे अंक का बिंदु होता है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अंग बच्चों, इसे अनुनासिक कहा जाता है, इसको बोलते समय नाक और मुंह दोनों से का प्रयोग किया जाता है। जैसे आँख, चांद, मांद, पांच। बच्चों इसको लिखते समय, मतलब इसका प्रयोग चांद बिंदु की तरह होता है, जो अनुस्वार था उसे खाली बिंदु लगाकर लिखते हैं, जो अनुनासिक होता है उसे चांद बिंदु की तरह लिखा जाता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। बच्चों इसे विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण कंठ से किया जाता है, प्राय, नमः, क्रमश, इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। इसमें ह की आवाज़ निकलती है, जैसे आपने सुना ना नमः, तो इसमें ह की आवाज़ निकलती है। नुक्ता चिन्ह बच्चों, नुक्ता चिन्ह को हिंदी भाषा से नहीं बल्कि फारसी और अरबी आदि विदेशी भाषाओं से लिया गया है, जिसे जा तथा फा के नीचे लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं सजा, तो आप देख सकते हैं जा के नीचे बिंदु लगा है, इसे ही नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। रा के विभिन्न रूप बच्चों, रा एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिस पर मात्रा नीचे की साइड से नहीं लगती, इस पर मात्रा पीछे की साइड से लगती है। तो बच्चों रा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, रा का मूल रूप, पदेन रूप और रेफ रूप। तो बच्चों मूल रूप में इसे सिंपल ही तरीके से लिखा जाता है, रीटा, रमा, राहुल, राम। और जो पदेन होता है, पदेन के रूप में ये बच्चों जो आपको चिन्ह दिख रहे हैं, ये पदेन चिन्ह है, तो इसमें रा का प्रयोग इस तरह से किया जाता है, क्रम कि इसमें जो का है उसके नीचे रा निकलता है, मीन्स रा को नीचे से निकाला जाता है। क्रम प्रवल, प्रबोध, ट्रक, ट्राम। और बच्चों रेफ, रेफ के रूप में रा जो है वो ऊपर की साइड से लगता है, दर्द, कर्म, बर्तन। बच्चों इस तरह से रा के तीन रूप हैं, मूल रूप, पदेन रूप। बच्चों पाठ दो पूरा हो गया है, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।